पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर की कहानी उलझती जा रही है। सीमा के विरोधाभासी बयानों पर पुलिस को अब शक होने लगा है, जिसके चलते रविवार को नोएडा पुलिस रघुपुरा में सचिन मीणा के घर गई। पुलिस ने सीमा और सचिन से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ऐसा शक है कि सीमा हैदर बरगलाने की कोशिश कर रही है। सीमा हैदर के पिछले 10 दिन में दिए गए बयानों में पुलिस को काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी के वक्त दिए गए सीमा के बयान और बाद के बयानों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी है। सिलसिले में पाक जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने के लिए ही भारत गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा का पिता रिक्शा चलाता है और उसका भाई सरकारी नौकरी में है, जबकि उसकी दो बहनें भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से बकायदा दस्तावेज जारी किए गए, जिसमें सीमा के पूरे परिवार की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सीमा अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते मई में भारत पहुंची थी। साथ ही पाकिस्तान की रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाले भी दावे किए गए हैं। पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया सीमा पहली बार इस साल 10 मई को दुबई की फ्लाइट से शारजाह से कराची लौटी थी और 18 मई को अपने बच्चों के साथ हवाई यात्रा की। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर का इससे पहले हवाई यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब सीमा का पहचान पत्र बनाया जा रहा था उस वक्त उसकी उम्र गलत जोड़ी गई थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन होगा। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां बन रही एक इमारत की लिफ्ट टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। लिफ्ट में 3 लोग सवार थे, अचानक लिफ्ट टूट गई और तीनों लोग नीचे की तरफ तेजी से आ गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सागर दमोह मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार सवार सभी लोग गड़ा कोटा की तरफ जा रहे थे, तभी दमोह की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। और इसी बीच दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रखी है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान से अब भी ऊपर। हालांकि यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रखी है। ऐसे में खतरा दिल्ली में अब भी बरकरार है। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई। इस पुल से अब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में स्कूल 18 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं बाढ़ राहत शिविर में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।